अगर इस गेम में तुमने सही चीजें की तो लोग व्हाइट बॉल से पुण्य का घड़ा भरेंगे, और अगर पाप का घड़ा पहले भरा तो तुम सीधा नरक में जाओगे। तुम भगवान में तो मानते हो लेकिन भगवान की एक नहीं मानते। तो दोस्तों 2022 में ट्रिपल आर और गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी दो ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद अजय देवगन की तीसरी फिल्म रनवे 34 बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं कर पाई थी। उसके बाद सभी को लग रहा था कि चलो ये रनवे 34 तो एक अलग जोनर की फिल्म थी जिसकी वजह से बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन थैंक गॉड फिल्म जो कि एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को दिवाली जैसे बड़े त्यौहार पर रिलीज किया जा रहा है तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक तगड़ी कमाई कर जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर गोड फिल्म से जिस तरह की उम्मीदें थी शायद इस तरह के कलेक्शन ये फिल्म शुरुआती 3 दिनों में नहीं कर पाई। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म थैंक गॉड के शुरुआती 3 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे फिल्म ने 3 दिनों में दुनिया भर से कितने करोड़ रुपए कमा लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि थैंक गॉड फिल्म आपको कैसी लगी। दोस्तों 2019 में टोटल धमाल जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाली जोड़ी डायरेक्टर इंद्र कुमार और अजय देवगन की फिल्म थैंक गॉड जो कि एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म में अजय देवगन के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा पहली बार नजर आ रहे हैं। बताना चाहूंगा दोस्तों फिल्म का बजट था 70 करोड़ रुपए और इस फिल्म को ऑल इंडिया में लगभग 2500 स्क्रीन पर रिलीज किया था। फिल्म के टिकट रेट भी ठीक ठाक थे, उसके बावजूद भी दोस्तों फिल्म से जैसी उम्मीद थी उस तरह का कलेक्शन फिल्म ने पहले दिन नहीं किया, वही दूसरे दिन भी इस फिल्म के कलेक्शन में एक बड़ा ड्रॉप देखने को मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि थैंक गॉड फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया से नेट कलेक्शन 8 करोड़ 10 लाख रुपए का किया, तो वही दूसरे दिन फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन एस्टिमेट 6.5 करोड़ रुपए रहा। बात करें तीसरे दिन के कलेक्शन की तो दोस्तों तीसरे दिन इस फिल्म की जो मॉर्निंग शोज ऑक्यूपेंसी है वो कल के मुकाबले 10% और ड्रॉप हो चुकी है। तो जिस तरह फिल्म को मॉर्निंग शोज में रिस्पॉन्स मिला है उसे देख कर लगता है कि थैंक गॉड फिल्म अपने तीसरे दिन इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है लगभग 6 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों शुरुआती 3 दिनों के अंदर थैंक गॉड का इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 20 करोड़ 60 लाख रुपए, वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 24 करोड़ 50 लाख रुपए। बात करें ओवरसीज कलेक्शन यानी कि विदेशी कमाई के बारे में तो दोस्तों थैंक गॉड फिल्म शुरुआती 3 दिनों में एस्टिमेट ओवरसीज ग्रोस कलेक्शन लगभग 6.5 करोड़ का कर रही है। इसी के साथ दोस्तों थैंक गॉड का शुरुआती 3 दिनों के अंदर जो वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन होता है वो हो रहा है 31 करोड़ यानी कि 31 करोड़ रुपए। तो दोस्तों एक तरह से देखे जाए तो फिल्म के जो कलेक्शन है वो उम्मीद से काफी कम है, लेकिन फिर भी उम्मीद कर सकते हैं कि इस फिल्म शनिवार और रविवार बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी कमाई कर सकती है। हालांकि दोस्तों आप देखते हैं कि थैंक गॉड फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाती है या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है थैंक गॉड फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना रहेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।